हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉफिट मार्ट। कई बार जब हम स्टॉक मार्केट इस फील्ड में नए होते हैं तो कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन से स्टॉक्स में एग्जैक्टली इन्वेस्ट किया जाए और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए 5 ऐसे मिड और लार्ज कैपिटल कंपनीज की इन्फॉर्मेशन दी है जो करंटली अपने 52 वीक लो से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना फिलहाल बेनिफिशियल हो सकता है। इन कंपनीज में डिस्काउंटेड स्टॉक्स, गुड फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स हैं। तो हम इस वीडियो में उनके बिजनेस के बारे में, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। और ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वी वुड आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द रिस्क्स एसोसिएटेड विद दीज कंपनीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट कंपनी इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। तो ये एक फार्मास्यूटिकल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनके प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 4.4 बिलियन लोग यूज़ करते हैं। कंपनी की अगर की स्ट्रेंथ्स को देखें तो कंपनी स्पेसिफाइड विटामिंस, मिनरल्स और सप्लीमेंट VMS प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस कंपनी को मार्केट में, और बट करंटली कंपनी का जो स्टॉक है वो 52 वीक लो से 6.74% से ज़्यादा है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। So this company is expecting a consistent growth in future. The second one is Rosalie Biotech. ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D फैसिलिटीज, फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, ये कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स हैं। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 52 वीक लो से 6.28% से ऊपर है। The third company is Supreme Industry. This is also one of the largest manufacturers of plastic. फिलहाल इनके revenue model में divergence होने की वजह से कंपनी एक अच्छे profit में है, और इनका जो piping section है revenue model में वो फिलहाल बहुत demand में है, जिसकी वजह से this company is enjoying a good market value. तो ये एक इनका key strength माना जा सकता है। उनका जो total revenue है उसमें से 65% जो है वो सिर्फ raw material का लगता है, जिससे volatility बढ़ती है, और ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तब वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे अफेक्ट करती है। बट एनीवे इनका जो स्टॉक है वो फिलहाल 52 वीक लो से 5.74% से ऊपर है। नंबर 4 HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये भी एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और हम सबको ही पता है HDFC सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों प्रोवाइड करती है। तो फिलहाल इनका जो स्टॉक है वो 52 वीक लो से 5.28% से ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर इनके की स्ट्रेंथ्स को देखा जाए तो वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, ये कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स हैं। फिलहाल मार्केट शेयर इनका थोड़ा डिक्लाइन है बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ रही है और प्राइजिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, बट इसके अलावा द कंपनी इज गिविंग अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। द फिफ्थ एंड द फाइनल कंपनी इज सनोफी इंडिया। ये कंपनी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स बिजनेस में से एक है। अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस की वजह से ये कंपनी OTC मार्केट में बहुत फेमस है। OTC मार्केट यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट, यानी कि वो ड्रग्स जिन्हें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे इस मार्केट में ये कंपनी बहुत फेमस है। अगर आप इस कंपनी का प्रीवियस परफॉर्मेंस देखोगे तो वो दिसंबर 2020 के क्वार्टर में उनका टोटल नेट प्रॉफिट कुछ 478 करोड़ पर सेटल हुआ था, और वही दिसंबर 2021 के क्वार्टर में इट वेंट अप टू 944 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट अ डबल डिजिट ग्रोथ। बट एनीवे इनका फिलहाल जो स्टॉक है वो 52 वीक लो से 1.14% से ऊपर है। सो लेट मी क्लियर, जितने भी कंपनीज हमने अभी तक डिस्कस की उनका जो टोटल मार्केट कैपिटल है इट इज़ मोर देन 5000 करोड़, उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज़ मोर देन 15%, और डेट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम है, और टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 10% से ज़्यादा है। सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो। सो विल सी यू विद अ न्यू टॉपिक वेरी सून।